के दरबार सांवरिया ऐसो सचो प्यारो मैं अपने गाने के लिए गा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा आराम कर लीजिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। सेवा में सांवरिया अच्छा मैं गाता हूँ, आप लोग पहले गा लो, मैं बाद में गाता हूँ। तो सेवा में सांवरिया सगला खड़ानी के हुकम बस आपको हो मेरे हिसाब से इससे पहले मेरे हिसाब से पूरा हॉल भरा हुआ होगा। अभी थोड़ी सी भीड़ मुझे लग रही है, प्रेमी होगी वो कम है, नहीं कोई बात नहीं, जो खा रहे हैं वो भी प्रेमी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो नीचे चले गए वो प्रेमी नहीं, लेकिन इतना बता दूँ कि अभी जो यहाँ पर बैठे हैं, जो सब लोग आए हैं, हम लोग जो भी आए हैं यहाँ पर, जितने भी लोग, वो यहाँ पर बाबा के दर्शन करके प्रसाद लेकर आशीर्वाद लेकर घर जरूर जाएंगे। जो आया है वो कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाएगा, लेकिन इतना पक्का है कि जो आरती तक रुक कर यहाँ पर बैठेगा वो कुछ लेकर जाए ना जाए पर बाबा को अपने साथ जरूर लेके जाएगा अपने घर। तो जो इनको लेकर साथ जाना चाहते हैं वो थोड़ी देर के लिए कुछ हिलजुल मत करिएगा, बिल्कुल अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ बाबा की तरफ, जिस तरह से आप लोगों ने गाया है ना अभी, मुझे लगता है कि आज बहुत आनंद आने वाला है। अब मैं चाहूँगा कि जिनको आता है ये भजन वो पूरे पूरे अपने हाथ एक बार मेरे कहने पर मत करना, जिन्हें ये विश्वास है कि हमारे हाथ जब जब ऊपर हुए हैं तब तब इनके हाथ हमारे हाथों को पकड़ने के लिए आगे आए हैं, वो उनके हाथ बिल्कुल ऊपर होने चाहिए और जरा मीठी मीठी तालियां बजा कर गाएंगे क्या। अरे कीर्तन की है रात, लेकिन अपन अभी तो कोई फर्ज निभाना ना, पर प्रभु ने बुलाना तो सबसे आसान तरीको है भजन और कीर्तन, और तालियां किसी बात के चाहिए मन बनाने की जरूरत नहीं।
सुनना चाहते हैं ना, तो मेरी थोड़ी सी इच्छा है कि जो थोड़ी सी जगह बीच में फाका फाका हो गई ना, उसको थोड़ा सा भर दीजिए। वैसे तो मास्क जरूरी और 2 गज की दूरी भी है, तो जैसे वैसे भी सही है, लेकिन हम लोग एक साथ हैं और साथ में तालियों की आवाज सभी की आनी चाहिए, चाहे जहां से भी मनाओ ये सुन लेगा। एक बात बताऊं, आजकल एक प्रचलन चल रहा है जो पहले के जमाने में भी चला करता था। पहले इतने साज बाज थोड़ी होते थे, नहीं होते थे ना, फिर भी कीर्तन होते थे और जोरदार होते थे। तो मैं आज चाहता हूं कि आज इस 26वें वार्षिक महोत्सव में श्याम मंडल के सिर्फ 2 मिनट का ताली कीर्तन कर सकते हैं हम लोग बिना कोई साज। जितना प्रभु ने दिया है ना, जितना दिया है उतनी जोरदार तालियां बजाकर गाना। अरे कीर्तन की है, और क्या करना बताऊं? अरे हाथों को अपने और जोरदार तालियां और उसके बाद नाच के अरे जिस दिन बोलते दरबार में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप लोगों ने बोला तालियां बजाएंगे, हाथों को उठाएंगे और उसके बाद तो जब तैयार है हाथ उठा लो पूरे के पूरे और जोरदार तालियों से प्रभु का स्वागत करना। अरे जिस दिन शाम प्यारे मेरे आए, अरे जिस दिन शाम प्यारे मेरे आए, अरे जिस दिन शाम प्यारे मेरे आए।
छोटी बात है
सामने हमारे माटी बिहारी खुद बैठे हैं, जिनका ध्यान लग जाए वो हाथ उठा लेना और तालियां बजा कर पूछ लेना। अरे बोल गुरसो है जय की सुनाओ सामना, अरे बोल गुरसो है जय की सुनाओ सामना। इतना सब कुछ देते हैं, इतना सब कुछ देते हैं और करना क्या पड़ता है, सुने क्या क्या देते हैं। एक बार हाथा ने उठा कर देख ले, एक बार हाथा ने उठा कर देख ले, जोरदार तालियां बजा कर देख ले, जोरदार तालियां बजा कर देख ले। अरे सुन सी सांवरो, क्या बात है भैया, अरे सुन सी सांवरो, सुनाने वाला होना चाहिए। ये सुनने के लिए तैयार बैठे लोग बोलते हैं कि जमाना बदल गया है, लेकिन इतना सुन लीजिए, ये आज भी वही है जो नरसिंह जी के समय पे थे, जो मीरा भाई जी के समय पे थे। उनकी जब सुन सकते तो हमारी भी सुन सकते हैं। ये नहीं बदले, हम लोग बदल गए, हमारी भावना बदल गई है। आप सोच के तो देखो कि मैं भी प्रभु को बुलाऊंगा तो वो आएंगे। इतना कुछ देते हैं, उठा लेना हाथ एक बार, जितना विश्वास हो बाबा के ऊपर, और उतने ऊपर हाथ उठा के जोरदार तालियां बजा कर मन से कहना, अरे सुन सी सांवरो सुना के दे, अरे सुन सी सांवरो सुना के दे, सी सांवरो सुना के दे, अरे सुन सी सांवरो सुना के दे, अरे सुन सी सांवरो सुना के दे। तू सुना के देख ले, सच सच बताइए, इतनी देर में आनंद आया कि नहीं भजनों का? अगर आया था तो एक जयकार उसके लिए बजाइए जिसने आपको अपनी ओर खींचा अभी कुछ देर के लिए, उसके लिए जयकार लगाइए। बोले श्याम प्यारे की, लाखों आदमी आए हैं, लाखों वापस चले जाएंगे। जो इनकी ओर खींचा चला जाता है ना, समझ लीजिए कि उनके ऊपर इनकी नजर है। वो बढ़िया से भजन भी गाएंगे, तालियां भी बजाएंगे, बाद में नाचेंगे भी और प्रसाद लेकर बाबा को अपने घर में लेके जाएंगे। इन जगह जरा जोरदार लगा लो, बोलो श्याम प्यारे।